सूर्यपुत्र और यम के बड़े भाई शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश माना गया है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाते हैं और उन्हें तेल चढ़ाकर सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में भी शनिदेव का प्राचीन मंदिर है। इंदौर रोड पर स्थित यह मंदिर नवग्रह शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर क्षिप्रा, क्षाता और फल्गु नदियों के संगम पर स्थित है। गुप्त नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि क्षिप्रा में नर्मदा का जल मिलने के बाद इसे त्रिवेणी के स्थान पर चतुर्वेणी भी कहा जा सकता है। उज्जैन से यह मंदिर करीब 6 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैनी के राजा सम्राट विक्रमादित्य को जब शनि की 7.5 लगी थी तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शनिदेव ने विक्रमादित्य से वरदान मांगने को कहा था, तब राजा ने उनसे कहा कि आप नवग्रहों के साथ यहां आकर विराजमान हों एवं सभी लोगों के कष्टों का निवारण करें। 1918 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। सिंहस्थ 2016 से पूर्व भी इसे और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। यहाँ पर 8 ग्रह चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु रुद्र स्वरूप में विद्यमान हैं एवं सूर्य अष्टकमल के लिंग स्वरूप में विद्यमान हैं। हर ग्रह का अपना गर्भ गृह है। मंदिर के पुजारी सचिन त्रिवेदी के अनुसार प्रत्येक शनि अमावस्या और शनि जयंती पर लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान कर दुख और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जिनको 7.5 रहती है उनका ये नियम रहता है कि घर का तेल लाके यहाँ चढ़ाया जाए, सवाया दान चढ़ता है, जैसे 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो तिल्ली, 1.25 किलो 1.25 किलो आप तेल ले लो, ये इसी प्रकार का सवाया दान होता है। 1.25 मीटर कपड़ा लगता है, हर चीज सवाई लगती है। शनि अमावस्या पर यहाँ मेला भी भरता है। सोमवती अमावस्या के दिन भी यहाँ काफी भीड़ होती है। पुजारी त्रिवेदी कहते हैं कि शनि के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। शनि की 7.5 के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पांडवों को भी वनवास झेलना पड़ा था।